हेलो किड्स, वेलकम यू ऑल टू शांति गुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। तो चलिए बच्चों, मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से जोड़ा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से मैम की बात को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नई चीज़ है, और ये आपके आगे भी क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। तो अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडिशंस। एडिशंस मतलब जोड़ना। तो एडिशन का साइन कैसा होता है? इस तरह से प्लस का साइन होता है ना, ऐसे करके और ऐसे, इसका एडिशन का साइन होता है, इसे हम बोलते हैं प्लस। ठीक है, चलिए। प्राची है 3 पेंसिल, ये लड़की है, इसका नाम है प्राची। इसके पास 3 पेंसिल्स हैं, 1 2 3, आपको दिख रहा है ना कितनी पेंसिल इसके पास, 3 पेंसिल्स हैं। एंड नेक्स्ट, हर ब्रदर गेव हर 2 मोर पेंसिल, ये उसका भाई है प्राची का, और उसके भाई ने उसको 2 और पेंसिल्स दे दी, यानी कि 2 पेंसिल्स उसको और दे दी। ठीक है, नाउ प्राची हैज़ अ 5 पेंसिल्स, 3 एंड 5, 3 एंड 2 इज़ 5। अब बताइए प्राची के पास कितनी पेंसिल्स हो गई। उसके पास पहले कितनी पेंसिल थी, 1 2 3, 3 पेंसिल्स थी। उसके भाई ने उसको 2 और पेंसिल और दे दी, 1 और 2 दे दी। अब उसके पास टोटल कितनी पेंसिल है, 1 2 3 4 5, कितनी पेंसिल्स हो गए, 5 पेंसिल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को और 2 को प्लस कर दिया, यानी कि दोनों का एडिशन किया है, जिससे हमारा क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, देखिए ऐसे कि यहाँ पे टोटल मिला के कितनी हो गई, 3 एंड 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, कितनी पेंसिल्स हो गई, 5 पेंसिल्स हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले आपके पास कितनी पेंसिल थी प्राची के पास, 3 पेंसिल्स, तो आपने पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 पेंसिल उसके भाई ने दी, तो फिर हम 2 लिखेंगे, और ये प्लस का हम साइन लगा देंगे। लगा दिया, फिर इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, और 3 और 2 को जोड़ने के बाद हमारा बचेगा 5। इसको एक और तरीका है, ईजी वे है लिखने का, आप ऐसे कर सकते हो, 3 1 2 3 3 कर लिया, फिर 2 और किया, 1 2 2 प्लस करना है। अब इसे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5। ठीक है, अभी हमारे पास ने उसके माता प्राची के पास कितनी पेंसिल्स हो गई, 5 पेंसिल्स हो गई। इसी पेज पे देखिए हमारे पास कुछ और एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, आपका पेज नंबर है 50, सब निकाल लीजिए। उसमें देखिए ये काइट्स हैं, कितनी काइट्स हैं, 1 2 3, कितनी काइट्स हैं, 3, आपने यहाँ 3 लिख दिया। फिर कितनी काइट है, 1 2 3, फिर प्लस 3 किया, तो टोटल कितनी काइट्स हो गई, तो आप ऐसे लिखेंगे, 3 3 और प्लस कर दिया आपने। ठीक है, तो हमने कर दिया 1 2 3 1 2 3, आप सबको टोटल कर लिया, सबको ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6 हो गई, आप 6 लिख लोगे। और यहाँ पे भी देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी काइट्स हो गई, 6 काइट्स हो गई। ऑलराइट, आगे आपका एडिशन करना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इस चार्ट के थ्रू जल्दी आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 एप्पल आपके, आपने 3 लिख दिया, फिर है 1 2 3 4 5, ये 5 एप्पल हैं। ठीक है, तो आप 3 प्लस 5 को करोगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, तो आपने यहाँ पर 8 लिख लिया। ऑलराइट, इसी तरह से देखिए, ये है 1 माउस है, ये एक और 1 माउस हो गया, तो 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 1 एंड 2 2 हो गए, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसी तरह से 1 2 3 4, 4 कैप्स हैं, एंड 1 2 3 4 5, ये +5 कर दिया, तो 4 प्लस 5 कितनी कैप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैप्स हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 कैप्स। और आपको मैंने बताया कि दूसरा वे किस तरीके से आप लिख सकते हैं, 4 5 और प्लस का साइन लगा के ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हो जाएगा ना, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना आपको। इसी तरह से और एक्सरसाइज आपको सामने दी है, आप इसे भी करिएगा। ये पे 1 है, यहाँ 1 कर दिया, +2, ये 2 हो गया, तो कितनी हो गई, 1 2 3 3 लिख दिया। ऑलराइट, इसी तरह से देखिए आपके इस तरह से लॉक है, ये जग्स को आप ऐसे काउंट करिएगा, जितने जितने ऐसे हैं आप वहाँ लिखते जाइएगा, जैसे 1 2
तो आप यहाँ टू लिख लेंगे, और ये कितने लॉक्स से, वन टू थ्री, ये थ्री लॉक्स से आपने थ्री लिख दिया, टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव्स हो गए, तो आपने यहाँ फाइव लॉक्स लिख दिया। ओके, बाकी के आप खुद कर लीजिएगा। तो आज हमने आपको करवाया पेज नंबर 49, 50 एंड 51। ऑलराइट, आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क होगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पे करवाया, मैंने आपको 3 + 3 = 6, इसी तरह से आप कॉपी में सेम अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेंगे 3 + 3 = 6, और ऐसे ही एप्पल्स के लिए 3 + 5 = 8, है ना, जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह से अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर, आपको मैंने एडिशन सिखाया, बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और समझ में भी आपको आया होगा। आपको और भी आगे मैं एडिशन करवाऊंगी, जिससे आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतनी अच्छे प्रैक्टिस करने में अच्छे से एडिशन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।